नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन टियर 6 और YT एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के। आज 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा का डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया है और ये फाइनल डेट है, ये मान के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा गया है कि ये संभावित तिथि है। और देखिए, अब तो इससे ज्यादा डेट बढ़ता भी नहीं चाहिए। अभी एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आउट हुए लगभग 6 महीना हो गया है। आप लोगों को बता दें कि फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। अब जो लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, जो चूंकि मैंने इससे पहले भी एक आपको स्ट्रेटजी वीडियो बना के दिया था, तो जो लोग अपनी तैयारी में लगे हैं उनकी तो बहुत अच्छी बात है कि वो पढ़ रहे लगातार। लेकिन आप सभी छात्रों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, जो कि ये सोच रहे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब इस 3 महीने में कैसे पढ़े और अपनी तैयारी को कहां से उस मुकाम पे ले जाए कि वो सभी के लेवल में हम आ जाए। क्योंकि देखिए, ये प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें पास होंगे तभी तो आप मेंस लिख पाएंगे। मेंस की स्ट्रेटजी भी इसी तरह से होती है। जिस दिन से नोटिफिकेशन आउट हो जाता है ना, लोग मेंस की तैयारी में लग जाते हैं उस दिन से, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि उनको सिर्फ टारगेट दिखता है। वो जान रहे हैं कि अगर मैं मेंस पढ़ लूंगा, मेंस की तैयारी अच्छे से कर लूंगा, तो पीटी मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको तो बुक पढ़ना है, लिखना है चीजों को, और लिख लिख के वो चीजें समझ जाते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे ये आंसर था, ये आंसर था, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनसे आसानी से बनने लगते हैं। तो मेंस की तैयारी में ही सीधे लगना चाहिए आपको बीपीएससी का, जब भी नोटिफिकेशन आउट हो। जो छात्र सोच रहे हैं कि मुझे 68 बीपीएससी देना है आगे चलकर, अभी तो अभी से मैं आपको बता दूं कि आप मेंस कौन सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन पेपर क्या ले रहे हैं उसमें, ये डिसाइड कीजिए पहले, और उसके बाद लगिए अपनी तैयारी में, तो जाके आप फाइनली एग्जाम में जो है ना यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। अब देखिए, दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एग्जाम डेट आउट हो गया भाई यहाँ पे। तो अब एग्जाम डेट आउट हो गया है तो इसमें हमें भाई पढ़ाई करने के लिए वो तरीका बताइए सर कि हम लोग जो है ना अपनी तैयारी को उस मुकाम पे ले जाएगी, पीटी यहाँ से पार कर ले। तो बिल्कुल आप लोग भी यहाँ पे पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ, आपके पास सफिशियंट टाइम है। यहाँ पे टोटल अगर मान के चले तो आज 1 फरवरी है, 30 अप्रैल को एग्जाम है, तो मान के चलिए कि आपके पास पूरे 90 दिन है यार। 30 मतलब कि 90 है ना, 3 महीने यानी कि 90 दिन। और 90 दिन मैं नहीं बोलूंगा, मैं उसमें आपको बोलूंगा कि आप 60 दिन का ही टारगेट लेके चलिए, क्योंकि इस दौरान जो है शादियां हैं, इस दौरान पर्व त्योहार भी है ना बीच में, तो ये सब आपको डिस्टर्ब करेंगे। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अपनी परीक्षा की तैयारी जो है ना पूरा स्ट्रेटजी के साथ कीजिए। भूल जाइए कि मेरे घर में कोई शादी है, भूल जाइए कि मेरे घर में कोई पर्व त्योहार मनने वाला है। अरे जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, उस दिन वो सारा का सारा त्योहार मनेगा घर में, और वो सारी की सारी शादियां जितने लोग कर रहे हैं वो सब तुमसे मिलने आएंगे। तो ये बात जान के रखना और दिमाग में बिठा के रखना। सब कुछ 3 महीने के लिए भूल जाओ, फिर भी मैं यहाँ पे 2 महीना बोल रहा हूं कि उसमें कैसे हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट स्ट्रेटजी यहाँ पे बुक जो मैंने डिसाइड की है आप लोगों के लिए वो बताने आया हूं। क्योंकि देखिए, इतिहास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और बिहार के परीक्षाओं में अगर देखा जाए तो अभी तक के सिनारियों में जितने भी एग्जाम हुए हैं इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे योगदान रहा है। तो इतिहास पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से बुक को फॉलो करना है, सबसे पहली चीज बेसिक बुक अगर आप लोगों ने पढ़ी है, लूसेंट पढ़ा होगा, अभी हाल ही में आप लोगों ने बिहार दरोगा का एग्जाम भी दिया होगा, जो लोग नहीं भी दिए हैं वो लोग लूसेंट पढ़ रहे होंगे, जो कि बीपीएससी की परीक्षा में लूसेंट का बहुत अहम रोल रहता है। अगर बेसिक बुक पढ़ दिया है तो उसको कुछ नहीं, रिविजन कर सकते हैं साइड में। लेकिन मैं आपको एक जो कि एक गाइड बुक की तरह बोलूंगा, सब्जेक्टिव है, क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है या वो आप उठा सकते हैं इतिहास के लिए भी। सबसे पहली चीज वहां से हमें पढ़ना क्या है, क्राउन पब्लिकेशन से हमें पढ़ना क्या है, तो क्राउन पब्लिकेशन से हमें मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास, ये दो ही टॉपिक पढ़ने हैं। तो सर आधुनिक भारत हम कहां से पढ़ें, तो आधुनिक भारत देखिए बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि इतिहास जो है ना वो हमारे ऑप्शनल और मेन पेपर में होता है, तो वो लोग शुरू से ही राजीव अय्यर की पुस्तक आती है दोस्तों, ध्यान रहे स्पेक्ट्रम की, ये बुक ले सकते हैं आप लोग। आधुनिक भारत का इतिहास आप लोग इसको इतने थ्रोली अगर पढ़ जाएंगे, एक एक लाइन वहां के बुक को रट जाएंगे, तो आप समझिए कि आपका पीटी बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये जो बुक है आपके पास क्राउन पब्लिकेशन का एक होना चाहिए, दूसरा जो बुक है यहाँ पे राजीव अय्यर की स्पेक्ट्रम की बुक आपके पास बिल्कुल अवेलेबल होनी चाहिए, वो ध्यान से देख लीजिएगा। क्राउन पब्लिकेशन का तो ये बुक अभी है हमारे पास, जो कि मैं आपको यहां से दिखला सकता हूं, ये बुक है आपके पास, एक बुक ये होनी चाहिए। तीसरा जो बेसिक बुक है आपको मैं बताऊंगा, ये है आपका एनसीईआरटी सार संग्रह, इसका एक सार संकलन करके भी पुस्तक आ रहा है, एनसीईआरटी सार संकलन करके, वो बुक भी आप लोग ले सकते हैं हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री यहां से कवर हो जाएगा।
पढ़ना कैसे है आपको, ये तरीके मैं आप अभी जो वीडियो शुरू करूंगा तो उसमें आगे बताऊंगा भी आप लोगों को कि आप लोगों को कहां से कौन कौन से टॉपिक से उठा उठा के क्वेश्चन आते हैं और आ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना, इन सभी के साथ साथ बुक के साथ साथ हम एक और चीज का आपको बोलेंगे कि आप लोग एक प्रीवियस ईयर का गाइड बुक रखिएगा। प्रीवियस ईयर मतलब जो क्वेश्चन बैंक होते हैं वो बुक आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे पब्लिकेशन अभी देखिए लॉन्च कर चुके हैं, घटना चक्र का भी आता है और आपके एक अभी हाल ही में एडुटेरिया ने भी अभी लॉन्च किया है, ठीक है। वो बुक है शायद हमारे पास, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हैं यहाँ पे, तो ये बुक आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है ना, जो दिया गया है पिछले क्वेश्चन के आंसर्स का, वो थोड़ा सा अच्छे से विस्तारित रूप में दिया गया है, तो ले सकते हैं आप लोग। लेकिन घटना चक्र द बेस्ट, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं वहां से। वो कोई एक पुस्तक ले लीजिएगा जो कि क्वेश्चन बैंक का यहाँ पे आपका काम करेगा सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए। दूसरा देखिए, मैंने बोला आपको कि तीसरा जो पेपर होगा आपका, जो बुक होगा वो एनसीईआरटी सार संग्रह होगा। अगर आप लोग बेसिक बुक पढ़ते हैं, बेसिक बुक इन द सेंस कि आप लोग सबका एनसीईआरटी का जितना भी 6 to 12 वाला बुक रखे हैं, तो आप लोग सोच रहे हैं कि उसको पढ़ 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 लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन 3 महीनों में इन्हीं तीनों बुक से आप इतिहास कवर कर सकते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है दोस्तों ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में 2 टॉपिक होते हैं, एक होता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके पास लुसेंट है ना, लुसेंट सफिशियंट है, लुसेंट के आपके पास बुक है, तो वो बुक आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं। देखिए हमारे पास वो बुक का एक सैंपल है, ये बुक है, ये पतली सी बुक है लुसेंट की, पतली तो नहीं कहेंगे, ग्रंथ कहा जाता है ये, ठीक है। इससे आप जो है ना, जो इंडियन ज्योग्राफी को क्लियर कंप्लीट कर सकते हैं यहां से, ठीक है। जैसे कि अभी बिहार दरोगा में आप लोगों ने पढ़ा है, उसको लेकर ये काम आएगा अभी बिहार दरोगा के मेंस में भी। बट एक मिनट, आप इस बुक को भी फॉलो कीजिएगा तो चलेगा काम, और चलेगा नहीं दौड़ेगा, क्योंकि ये बुक जो है द क्राउन की बहुत ही विस्तृत मतलब कि अच्छे से डिस्क्राइब करके पूरी तरह से चीजें बताई गई है। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि भैया वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी वेटेज बहुत ज्यादा होता है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कोई बुक अभी तक हम लोगों ने नहीं लिया है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो महेश बर्णवाल की ही बुक आती है, तो वो आप बुक ले सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी का ही पूरा करके वो बुक आता है, वो बुक भी होगा हमारे पास कहीं रखा हुआ, क्योंकि मैं मंगवा लेता हूं, मुझे कुछ पब्लिकेशन वाले भी दे भी देते हैं कि सर रख लीजिए इसको, तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल की आप बुक ले सकते हैं। तीसरी चीज, वहां पे अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोग पढ़ना भी चाहते हैं तो मैं फिर से आप लोग रेफर करूंगा इसी बुक को। ये एक ऐसा बुक आया है कि लुसेंट का तोड़ है, क्राउन का तोड़ है, तो ये बुक तो आप लोग के हाथ में होना चाहिए, या सार संकलन करके एक आया है एनसीईआरटी सार संकलन, वो बुक भी होना चाहिए। तो ज्योग्राफी का तो यहां से खेल खत्म हो गया, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग यहां से महेश बर्णवाल की बुक ले सकते हैं और वो आपका मेंस तक काम देगा। महेश बर्णवाल वाली जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक है वो मेंस तक, लेकिन क्राउन और एनसीईआरटी सार से आप इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को कवर कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा दोस्तों पॉलिटी का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लोग बोलते हैं इसमें कि एम लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है वो ग्रंथ है, वो तो भाई संविधान है कह लीजिए उसको, तो उसको पढ़ना है तो, लेकिन अब समय किसके पास है। वो बुक क्या है ना कि वो इतना बेसिक है, वो इतना बेसिक बुक है और ये टॉप क्लास का बुक है कि आप उससे यूपीएससी की तैयारी या यूपीपीएससी की तैयारी या एमपीपीएससी या बीपीएससी हर एक पीसीएस एग्जाम की तैयारी आप उस बुक से पॉलिटी को लेकर कर सकते हैं। वहां से कहीं से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, क्योंकि हर वो चीज वहां पे सजाकर बहुत अच्छे से दिया गया है। लेकिन वो बुक अगर आप लोग अभी पढ़ने बैठेंगे तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब भी बुक छोटी तो है नहीं। क्राउन भी पढ़ना अपने आप में बड़ा एक टास्क है, लुसेंट पढ़ना जैसे कि टास्क था, तो अब तो आपके सामने एनसीईआरटी सार संग्रह आ गया है, उससे भी आप लोगों को पढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क है। मतलब हर चीज को छांट कर तो दिया गया, लेकिन अभी आप लोग जैसे बीपीएससी या बिहार के किसी भी एग्जाम का एग्जाम पैटर्न देख रहे होंगे तो अपने हिसाब से वो कुछ भी क्वेश्चन सेट कर रहे हैं लोग, तो इसी को लेकर चलना अपने को कि हर वो चीज पढ़ लेना हल्के से। उस बुक को लेने की जरूरत नहीं है, बट लेते हैं, आप लोग के पास होनी चाहिए बुक वो, अगर आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो होनी चाहिए। कभी भी आराम से उसको बैठ के तैयारी में लगिए, अगर 68 की तैयारी में लगे हुए तो अभी से वो बुक लेके पढ़ सकते हैं आप लोग एनसीईआरटी एम लक्ष्मीकांत की। लेकिन अगर आप पॉलिटी के लिए बुक कोई भी सजेस्ट मैं करूंगा यहाँ पे तो बिल्कुल वो एनसीईआरटी सार संग्रह ही है, जो कि ये बुक है, मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, जो कि ये बुक ऐसी है कि लुसेंट को इन्होंने क्या किया है तो बैकअप दिया है, मतलब लुसेंट को यहां से जब लोग छोड़ते भी हैं तो इस बुक को पढ़ना शुरू कर दीजिए।
देखिए यहां से हो गया पॉलिटी का खेल खत्म, अब बात होगी इकोनॉमी की। इकोनॉमी हमारे और इन्वायरमेंट दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से क्वेश्चन को करंट से भी रिलेट करके दे रहा है आजकल। लेकिन जो हमारा बेसिक चीज है, हम लोगों को पढ़ना जहां से है कि हमें इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और वो टॉपिक हमें कहां से कवर हो जाएंगे, तो वो टॉपिक के लिए भी आप लोग क्राउन, एनसीईआरटी सार संग्रह और लुसेंट भी अगर नहीं पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़िए, क्योंकि वो बेस्ट और टू द बेस्ट बुक है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको यहां से सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप लोग इकोनॉमी के लिए क्राउन और एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अब एनसीईआरटी से देखिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्योंकि इस बुक में टॉपिक भी अपडेटेड किया गया है। आर्थिक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जो है हमारा वो पढ़ना है, राष्ट्रीय आय, उसके अलावा राष्ट्रीय नियोजन, बैंक का विकास, बैंक का निजीकरण वगैरह जो भी है उसमें, आरबीआई, उसके अलावा बेरोजगारी, उद्योग, कृषि, रोजगार, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और विदेशी नीति, ये सारे टॉपिक जो है, ये हमारे जो सारे टॉपिक है ये आपको पढ़ जाने हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक से उठ के कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और उसको भी कवर कर लेगा क्राउन और यहाँ पे आपका एनसीईआरटी सार संग्रह। मैं बुक अभी सिर्फ दो ही बता रहा हूं, दो ही बुक लीजिएगा आप लोग, एनसीईआरटी और क्राउन पब्लिकेशन का। ये पीटी में आपके लिए बहुत ही सफिशियंट है, और अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं अपना तो नोट्स से भी पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या है कि पहले से तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं कि जो कि पिछली बार एग्जाम भी दिए थे 66 वाला, तो वो लोग अपने नोट्स से ही पढ़े, जो नोट्स आपने बनाया है, बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो हाँ, बुक की कहां आप जरूरत पड़ेगी उन छात्रों को, तो करंट अफेयर में, और कहां जरूरत पड़ेगी तो उनको जरूरत पड़ेगी बिहार स्पेशल में, क्योंकि बिहार स्पेशल हमारा जो टॉपिक है इसमें इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, यहाँ का पॉलिटी भी पढ़ना है, हर वो चीज पढ़ना है जो कि इंडियन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं हम लोग। तो बिहार स्पेशल में हम लोग वो सारी चीजें पढ़ सकते हैं, उसके लिए कौन सी बुक होनी चाहिए, तो मैं आपको एक बुक पहले भी दिखा चुका हूं, ये देखिएगा, ये डॉक्टर मनीष रंजन आईएएस है, इनकी ये पब्लिकेशन की बुक है, ये बिहार सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो आप लोग इस बुक को पढ़ सकते हैं, इसमें वो सारी चीजें जो मेंशन की गई हैं लाइन बाय लाइन, और आपको बता दूं कि टॉपिक बाय टॉपिक जो कि डिस्कस किया गया है, आपको मेंस तक ये काम देगा ये बुक, इतनी अच्छी है और बहुत ही सजी हुई बुक है, आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी इसका आता है, मनीष कुमार रंजन का, बिहार स्पेशल में सामान्य ज्ञान में ऑब्जेक्टिव भी आता है, जिसमें कि 7000 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं बिहार स्पेशल से जोड़ के, वो बुक ले सकते हैं आप लोग, है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए। बट मैं बोलूंगा यहां पे आप लोग के लिए कि अगर करंट अफेयर पढ़ना है आप लोगों को तो दो बुक फॉलो कीजिएगा, एक स्पीडी जो कि मंथली आती है और स्पीडी बुक रख सकते हैं आप लोग, एक बुक आती है दोस्तों परीक्षा मंथन, ठीक है, ये परीक्षा मंथन जो है ये भी आप लोग ले सकते हैं, परीक्षा मंथन बहुत अच्छी है, या तो फिर दि बेस्ट ओल्डेस्ट दिया, और कुछ नहीं, वो आप लोग प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ते हैं अगर रेगुलरली तो उससे नोट्स बनाते हैं, तो वो बुक ही आपके लिए सफिशियंट है, कोई बुक फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको करंट अफेयर में पढ़ने की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग स्पीडी लगा सकते हैं, स्पीडी से क्वेश्चन आपको सफिशियंट मिल जाते हैं पूरे साल भर के, डेढ़ साल के, तो आपको कवर करना होगा करीब डेढ़ साल का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे, साल से डेढ़ साल का, क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन है लगभग अब 6 महीना हो चुका है, एग्जाम होते होते एक साल लगभग टच कर ही जाएगा, एक साल तो नहीं कम से कम 8 महीने तो टच कर ही जाएगा, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो साल नहीं डेढ़ साल करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा आप लोग। बिहार के लिए मैंने आपको बता दिया, मैंने मनीष कुमार रंजन जी की बुक है, आईएएस अधिकारी है, या तो फिर आप लोग जो है ना डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह का भी एक बुक आता है जो कि आईएएस अधिकारी ही है, और वो पब्लिकेशन का भी आप लोग, उनके पब्लिकेशन का भी वो बुक रख सकते हैं अपने पास, उसमें तो पूरा, जैसे कि अगर ये एनसीईआरटी की बात करें हम तो वो पूरा चीज उसमें दिया गया है, वो बुक भी शायद होगी हमारे पास, तो मैं वो दिखला नहीं, ढूंढना पड़ेगा मुझे, है ना, तो वो बुक भी बेस्ट है, उसमें भी सारी चीजें बहुत अच्छे से दी गई है। अब देखिए बुक तो सारी की सारी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मेन जो है आपका जो माइंडसेट है उसको तैयार रखना है, कि हमें इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है, और ऐसा नहीं कि किसी पे डिपेंड होके, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि कोई पढ़ाएगा, कोई क्यूज कराएगा तो ही हमसे पढ़ेंगे, नहीं, हो सकता है कि क्लासेस बहुत सारी चलाई जाएंगी,
बहुत सारे इसका फीस पेमेंट भी रखा जाएगा करीब, मैंने तो देखा है कि 20-20, 40-40 हजार, 50-50 हजार फीस है पटना के कोचिंग सेंटर्स की। तो वो भाग दौड़ में नहीं लगना है कि हमें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, अब एग्जाम डेट आ गया है यहाँ पे तो हमें पढ़ने के लिए अच्छे गाइडेंस की, आप ही अपने खुद के अच्छे गाइडर हैं। आप जब पढ़ने में मन लगा लेंगे ना, किताबों से दिल लगा लेंगे, तो आप बिल्कुल उस चीज को पा लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो यहां पे आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठिए और अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, और वो सिर्फ 3 महीने के लिए, किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई यहाँ पे टच नहीं कि हमें अपने पढ़ाई से मतलब रखना है, बस उसी पे फोकस रहना है, कोई शादी नहीं, कोई त्योहार नहीं, बस 3 महीना ये काम करके देख लीजिए। पीटी आपके हाथ में रिजल्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत पहले रिजल्ट यहाँ एग्जाम डेट दे दिया गया है, बहुत लोग सोच रहे थे कि 1 महीने का समय मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 3 महीना समय मिल गया है। और 3 महीना छोड़िए, नोटिफिकेशन से निकले हुए अगर जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो 6 महीना हो चुका है, तो अभी आप लोगों के पास सफिशियंट टाइम है, पीटी आपका निकल सकता है। एक हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों साइंस का, साइंस के लिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग क्या पढ़ें, तो मैं आप लोगों को सिर्फ साइंस के लिए अगर यहाँ पे अपडेट देना चाहूंगा तो ये है आपके पास लुसेंट बुक। ये आप लोगों को मैं बोलूंगा कि आप लोग अभी लगातार इस बुक को पढ़े हैं तो इसको बना के सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको बना के सॉल्व भी एक बार कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर बुक पढ़ना है साइंस के लिए तो आप लोग कवर कीजिए भाई, यहाँ पे क्राउन पब्लिकेशन का ही बुक आता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, उसको लेके रखिए, उसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं और खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। एनसीईआरटी सार संग्रह से भी आप लोग यहाँ से चीजें पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी का 6-12 वाला बुक आता है साइंस का, वो ले सकते हैं, कोई एक ले लीजिएगा, कोई चूंकि ये बेसिक और गाइड बुक है सारी, तो इसमें वो सारे क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं जो कि आपके बिहार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वही सब क्वेश्चन पढ़ना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी जो जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनके लिए एक आपके पास जो है बुक होनी चाहिए प्रीवियस ईयर की, चाहे वो घटनाचक्र की हो या पूर्वालोकन जो कि घटनाचक्र की आती है, या फिर आपके बुक हो जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी एडुटेरिया वाला भी, या फिर बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन है जिसके की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक आते हैं, लेकिन आप लोग को बुक सजेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमें कौन कौन सा बुक प्रीवियस ईयर के लिए क्वेश्चन के देखना है, क्योंकि तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिए रहते हैं वो कैसा है, उसका सॉल्यूशन कैसा दिया गया है, वो भी चीजें बहुत ध्यान से देखकर ही उसको सजेस्ट करना होता है। तो साइंस के लिए भी बुक हो गया, आप क्राउन से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, या फिर लुसेंट भी पढ़ सकते हैं, तो कोई एक बुक। तो मैंने जनरली अगर देखा जाए तो इन पूरे वीडियो में जो कंक्लूजन है कि आपके पास एनसीईआरटी सार संग्रह, क्राउन पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए, बिहार स्पेशल के लिए मनीष रंजन वाली जो सामान्य ज्ञान की बुक है वो पढ़ सकते हैं, या फिर डॉक्टर हिंद कुमार सिंह की बुक आती है वो सामान्य ज्ञान की, वो भी आप लोग अपने पास रख सकते हैं, जीके के लिए भी वो काम देगा क्योंकि उसमें विविध क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से दिए गए हैं। यही नहीं, करेंट अफेयर और बिहार के लिए भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे बिहार का करेंट अफेयर बहुत लोग पूछेगा यहाँ पे कि आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बिहार के करेंट अफेयर से भी सवाल इस बार बहुत रहेंगे, ठीक है। तो मान के चलिएगा कि करंट अफेयर पे हमें जब फोकस करना है तो थोड़ा सा बिहार को भी टच करके चलना पड़ेगा। तो बिहार के लिए अगर आप लोग करंट अफेयर की बात करेंगे तो स्पीडी साइंस का ही, सॉरी स्पीडी का ही बिहार करंट अफेयर भी आता है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें 600 या 400 कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा भी रहा हूं। अगर आप लोगों क्यूज देख रहे हैं आप लोग टेलीग्राम पे हमारा 12 बजे वाला, तो उसमें जरूर उसको लेकर आएंगे हम लोग। और अगर आप लोग रात को 10 बजे बीपीएससी का मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर अगर आप 8 बजे जो बिहार एसआई का टेस्ट देख रहे हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो बुक का कलेक्शन है मैंने आपको बताया, लेकिन उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि एग्जाम तभी निकलेगा जब आप तैयार रहेंगे, और तैयार ऐसे नहीं कि हाँ बोल दिया कि तैयार है चलिए एग्जाम निकल जाएगा, नहीं, ये एग्जाम की तैयारी है और आपका माइंडसेट तैयार होना चाहिए, आप तैयार होने चाहिए ताकि ये आपका परीक्षा निकल सके। सभी चीजों पे डिस्कस होगा आगे चल के भी, टॉपिक बाय टॉपिक जो डिस्कस करते हैं हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले भी पिछले साल भी हमने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बताए थे कि कैसे कैसे पढ़ना चीजों को, और बुक भी बताता रहता हूं, तो बुक अगर कुछ नया भी आएगा तो उसके बारे में इंट्रोड्यूस जरूर करूंगा मैं, है ना, कि ये बुक ले लीजिए आप लोग पढ़िए उसको। तो 3 महीना है, आज से शुरू हो जाइए, एक एक दिन उठाइए और इसको सफल बनाइए। ऑल द बेस्ट, मिलेगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।